क्या कर रहे हो, इतने टाइम क्यों लग रहा है, अभी 2 मिनट कह रहे हो फिर यूज करे जा रहे हो उधर। यार पकड़ो यार फोन, आप फोन दे रहे हो कि क्या कर रहे हो आप, कि ये 2 मिनट में कर लो एक। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, मुझे आपका फ़ोन मिलेगा क्या? मुझे ना एक कैब करना है अर्जेंट में और मेरा फ़ोन वर्क नहीं कर रहा है। सॉरी सॉरी, मैं किसी किसी अरे गहरे बंदे को फ़ोन नहीं देता। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? आप किसी के भी बोल रहे हो अरे गहरे हो, मतलब ऐसे बोलते हैं क्या? मैं आपको अगर अरे गहरे बोलूँ तो आपको अच्छा लगेगा क्या? मैं फ़ोन ही नहीं देता किसी। अच्छा आप किसी को फ़ोन नहीं देते वो अलग की बात है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई है नहीं और मुझे ना अर्जेंट में फ़ोन चाहिए, मुझे ना कैब बुक करनी है। मैं किसी को फ़ोन नहीं देता किसी पर्सन को, अगर कोई आता तो मैं उसे रिक्वेस्ट करके आपको फ़ोन दिला दूँगी। ऑफिशियल फ़ोन है, हाँ का फ़ोन है, मैं किसी को नहीं देता और वैसे मैं किसी अरे गहरे बंदे से बात नहीं करता। आप अगर बोलते हो तो मैं किसी को रिक्वेस्ट करके आपको फ़ोन दिला दूँगा। बात अगर यहाँ पे कोई और होता तो मैं खुद ही मांग लेती, आपको करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है मुझे बात करने नहीं आता? मैं आपसे जैसे मांग रही हूँ मैं उनसे भी मांग लूंगी, तो इसमें आप कौन से एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर? एहसान मैंने तो बस इतनी सी बात बोली कि मुझे सच में अर्जेंटली कहीं पे जाना है। मैं भी नहीं दे सकता। बट क्यों, ऐसे क्या प्रॉब्लम है कि आप नहीं दे सकते? ऑफिशियल फोन है, ऑफिस का फोन है, इसके अंदर ऑफिशियल डेटा है। हाँ मैं नहीं दे सकता आपको, मैं किसी को नहीं देता अपना फोन। आई एग्री कि आप नहीं देते हो किसी को, बट अब देख रहे हो कि मुझे अर्जेंट कहीं पे जाना है तो आपको नहीं लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है? ठीक है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ आप मेरी भी तो कंडीशन समझो। मैं समझ रही हूँ आपकी कंडीशन। मैं कौन सा आपका फ़ोन यूज़ कर रही हूँ या फिर आपका डाटा यूज़ कर रही हूँ? मैं आपका ना तो फ़ोन यूज़ कर रही हूँ ना ही मैं आपका डाटा यूज़ कर रही हूँ। मुझे तो सिर्फ कैब बुक करना है और मुझे जाना है बस। जल्दी से 2 मिनट में एक बार बुक करो। श्योर। कैन यू अनलॉक दैट फोन प्लीज़, थोड़ा जल्दी करना। श्योर। टाइम बची और प्लीज़ मेरे को दिखाओ एक बार जो भी कर रहे हो ताकि। अरे मैं चलो करो करो जल्दी करो। आपका लोकेशन ऑन नहीं है इसमें? सब ऑन है। ऑन है, ऐप ऑन करोगे आपको उसके अंदर शो कर जाएगा, GPS ऑन खुद ही हो जाएगा। क्या कर रहे हो, इतने टाइम क्यों लग रहा है, अभी 2 मिनट कह रहे हो फिर यूज़ करे जा रहे हो उधर। यार पकड़ो यार फोन, आप फोन दे रहे हो कि क्या कर रहे हो आप, कि ये 2 मिनट में। यार कैब ही कर रही हूँ ना मैं, तो दिखा दो ना, छुपा के रहे हो, इसमें छुपाने की क्या बात है? मैं कब छुपा रही हूँ आपका फोन? आप फोन ऐसे ऐसे कर रहे हो फिर कह रहे हो छुपा रहे तो मैं आप फोन कब छुपा रही हूँ? मैं तो यूज ही कर रही थी ना आपका फोन। अभी तो आप खामा खा मुझे ऐसे बोल रहे हो कि ये कर लो वो कर लो वो कर। ये ऑफ क्यों हो गया? ये क्या हो गया, ऑफ क्यों हो गए? तो वो आपको पता होगा ना कि ऑफ क्यों हो गया, मुझे कैसे पता होगा? यूज कर रहा था आपके सामने। अरे तो मुझे कैसे पता होगा कि आपका फोन ऑफ कैसे हो गया? आपने इसमें मेरी क्या गलती है? तो मैं देख रहा हूँ आप क्या यूज कर रहे हो, मेरे को दिखा भी नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हो। क्या है यूज कर रहे हो, दिखा भी नहीं रहे, छुपा छुपा के यूज कर रहे हो, पता नहीं क्या किया आपने। आप खामा खा मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ ना, तो मैं छिपा के कुछ कर रही हूँ। वो आपका फोन है, आप जानो कि क्यों ऑफ हो गया, हो सकता है कि उसमें बैटरी ना हो। बैटरी मैं घर से अभी चार्ज करके आया हूँ फुल। मैंने तो देखा ही नहीं कि आपका फोन फुल चार्ज है या क्या है। तो मेरा 1% चार्जिंग तो होगी नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, जो आपके हाथ में लेते ही हो गया और आप छुपा रहे थे, मेरे को लगता है आपने कुछ किया। और आपके कहने से हो गया, यही है देखो आपके सामने। मैं आपका सुनने के लिए तो बैठी नहीं हूँ कि आपका ये हो गया वो हो गया। आपका फोन थोड़ी मैंने थोड़ी ऑफ किया। क्या कर रहे हो, पहले फोन तो ठीक करा के जाओ। जा कहाँ रही हूँ मैं, जा रही हूँ, आप नहीं दे रहे हो अपना फोन, मैं किसी और से लेकर के अपने कैब बुक करूंगी। दिया तो आपको फोन, फोन खराब करके आप दूसरे। आपका फोन खराब हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो किया नहीं ना, इससे पहले तो ठीक था ना जब मैं यूज कर रहा था, जब आपने लिया तभी खराब हुआ है। हाँ तो ठीक है खराब हो गया तो मैं क्या करूँ इसमें, आप ठीक कराओगे? मैं क्यों ठीक कराऊंगी, आपने खराब किया। आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने खराब किया है? तो आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने खराब किया है या मेरे मेरे को मैं कब आपको प्रूफ देने जा रही हूँ? मैं आपको कोई प्रूफ दे ही नहीं रही हूँ कि मैंने किया है नहीं किया। कराओ ठीक करा के आप जाना है यहाँ से। क्यों, कोई 5-10 हज़ार रुपये का फोन नहीं है। कितने का है? कितने का भी है, मेरे फोन से भी महंगा है। आपके फोन से ही महंगा है। अच्छा ठीक है, आप जो बोल रहे हो वही सही बात है। जितने का आप इसको ठीक करा के जाना। ठीक कराना क्यों जरूरी है? तो मैंने आपको पहले बोला ऑफिशियल डेटा मेरे कंपनी का फोन है, मैं आपको बोला नहीं पहले ही? ऐसी कौन सी कंपनी का फोन है जो आप इतना वो हो रहे हो कि ऑफिशियल डेटा है? ऑफिशियल डेटा मतलब किस टाइप का डेटा है इसके अंदर? मेरी क्या होती है, लीड्स होते हैं कंपनी की, कंपनी के लीड्स होते हैं। कहाँ काम करते हो आप? मैं फाइनेंस कंपनी में हूँ। कहाँ हो? फाइनेंस कंपनी में हूँ। फाइनेंस कंपनी में क्या काम करते हो आप? उधर हमारा लोन डिस्पर्सल का काम रहता है। लोन का काम करवाते हो आप, फिर तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लोन चाहिए था, आप करवा दो लोन। लोन तो मैं करवा दूंगा, पहले फोन तो ठीक करवाओ। नहीं आप पहले मेरा लोन करवाओ ना, मैं फोन ठीक कर दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फोन ठीक करा दोगे? हाँ मैं करवा दूंगी, आप मेरा लोन करवा दो 10 लाख का।
10 लाख का लोन करना, हाँ। 10 लाख का लोन करना आपको अराउंड 1-1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। क्या लगेगी? 1.5 लाख रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी। 1.5 प्रोसेसिंग या डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए आपको? डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन होती है, उसका प्रोसेसिंग फीस लगते हैं 1-1.5 लाख रुपए। अरे मेरे पास पैसे होते तो मैं आपसे लोन क्यों मांगती? अगर मेरे पास पैसे होते ही तो मैं आपसे लोन क्यों मांगती? बैंक का प्रोसीजर है ना। बैंक का क्या प्रोसीजर है? बैंक का प्रोसीजर है कि 10 लाख लोन के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए। आपने कभी बैंक से लोन लिया है? बैंक कभी लोन लिया है बैंक से? हाँ लिया है। तो आपने प्रोसेसिंग फीस दिया है? हाँ, बैंक का प्रोसेस होता है। बैंक का क्या प्रोसेस होता है? आप कभी भी एक बार वेबसाइट पे भी जाके चेक कीजिएगा, प्रोसेसिंग फीस होती है, इसके बेसिस पे लोन नहीं होती है दोस्त। किसी भी बैंक को, कौन से बैंक में प्रोसेसिंग फीस लगता है कि लोन देने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत है? किसी के पास पैसे होंगे तो वो पैसे लेगा ही क्यों लोन, वो भी तो समझो आप। नहीं, आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हो लोन। आप किस बात के पैसे ले रहे हो? ये बैंक के चार्जेस होते हैं, हम कोई अपनी जेब में नहीं पैसे रख रहे। 1.5 लाख रुपए बैंक चार्ज करती है? 10 लाख का। अब किसी के पास 1.5 लाख रुपए नहीं होगा तो फिर तो नहीं, कहीं और ट्राई करो। कहीं और ट्राई करो क्या मतलब है? अब देखो, मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी बैंक ना प्रोसेसिंग चार्ज वो भी इतना अमाउंट लेता है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, ये ट्रू है। मेरे को नहीं पता बाकी कंपनीज का, लेकिन हमारी कंपनी। क्या कंपनी है आपकी, नाम बताओ जरा। अरे आपकी कंपनी मुझे लोन देगी? मेरे को पता नहीं रहेगा कि मैं कौन सी कंपनी से लोन ले रही हूँ। अरे आप पे कैसे भरोसा करूँ मैं, क्या आप करवा के दोगे? कंपनी का नाम तो बताओगे ना एटलीस्ट, अगर मुझे पता तो रहेगा कि मैंने कहाँ से काम किया। जब सारा करा के दूंगा उसके अंदर कंपनी का नाम नहीं आएगा? आएगा ना। अरे तो डॉक्यूमेंटेशन की बात तो तब आएगी ना, अभी तो चाहिए ना कंपनी का नाम तो अभी तो पता होना चाहिए। जब डॉक्यूमेंटेशन करूंगा तो उसके अंदर आ जाएगा नाम कंपनी का, तो अभी बताने में क्या दिक्कत है? वैसे आप अभी कैब के लिए आपको फोन चाहिए था, अभी आप विश्वास कर ही सकते हो? वो तो ठीक है, बट बताओ तो सही एटलीस्ट की नाम क्या है। जब डॉक्यूमेंटेशन में करवाऊंगा, हाँ। सारा आपको किसी। अरे डॉक्यूमेंटेशन से पहले, डॉक्यूमेंटेशन तो आप तब करवाओगे जब मैं आपकी कंपनी देखूंगी, आपकी कंपनी के डिटेल्स देखूंगी, तब तो आप डॉक्यूमेंटेशन करवाओगे। ठीक है, मैं सारा एक बार। इससे पहले कैसे डॉक्यूमेंटेशन करवा दोगे आप मेरी? मतलब आपके पास आऊंगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन कराऊंगा तो कंपनी का नाम क्या है, कहाँ काम करते हो आप? चलो मैं नहीं बता रहा। आप नहीं बता रहे हो? छोड़ो, क्या आप कहाँ काम कर रहे हो? क्यों आपको लोन नहीं देना? आपके फोन, आप अरे लेकिन अगर आप बताओगे नहीं है तो मुझे क्या लगेगा? आपको कैसे समझाऊं? अरे क्या मुझे क्या समझ में आएगा अगर आप नहीं बताओगे, नाम ही नहीं बताओगे कंपनी का, तो क्या समझ में आएगा मुझे? मुझे क्या लगेगा वो सोचो, मुझे तो ऐसा लगेगा कि फ्रॉड है, कंपनी है ही नहीं, कोई फेक कंपनी होगी। छोड़ो, मत कराओ, मत कराओ। अरे लेकिन कंपनी का नाम तो बताओगे? मैं कह रहा हूँ मत कराओ लोन। अच्छा एक बात बताओ, ये सारी बातें छोड़ो, आप जिस कंपनी में काम करते हो उसके नेम बताने में क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है आपको? मत करो, हमें से लोन ही मत करो। मतलब अब मुझे क्या समझ, आपको कोई दिक्कत नहीं? मुझे समझ में ऐसा है कि आपकी कंपनी फेक है या फ्रॉड है, कोई दिक्कत नहीं है आपको? समझ लो, जो मर्जी समझ लो, क्या करूँ मैं? मतलब क्या है, कैसी बातें बोल रहे हो? अच्छा चलो मेरी बातें छोड़ो, बाकी लोग उधर देखो, उस पेड़ के पीछे ना वो कैमरा है, उसमें ना ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है। मतलब आपने क्या रिकॉर्ड की है वीडियो? हाँ। ये किससे पूछ के किया आपने? आपको क्या लग रहा है किससे पूछना चाहिए मुझे? किसे पूछना चाहिए तो मुझे? पूछे, मैं समझा रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियो। तो बताओ कि क्या है, क्या है कंपनी का नाम? आप क्या है कंपनी का नाम? आप रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो ये बताओ पहले तो, आपको किसे? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। ये क्या बात हुई, आप अपनी मर्जी से किसी को ऐड वगैरह बोल सकते हैं, मैं अपनी मर्जी से वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती? ये तो अजीब बात है। अच्छा मतलब अच्छा आपकी कंपनी का नाम क्या है? अगर नहीं बताओगे तो बाकी लोगों को क्या लगेगा? उसके बाद आप लोग बाकी लोगों को क्या लगे? आप वो फोन की चिंता मत करो, मैं नया फोन दिला दूं, लेकिन आप कंपनी का नाम तो बताओ। रिकॉर्ड कर लिया आपने, कंपनी का नाम तो बताओ। कंपनी के नाम को अब छोड़ो ना, अब आपने वीडियो कैसे रिकॉर्ड की? मैंने कैसे भी वीडियो, आपको क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो ये वीडियो हटाओ। और मैं क्यों हटाऊँ वीडियो? क्या ऐसे अब फालतू में ऐसे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है? हमारा ऑफिशियल कंपनी है, कंपनी। अरे ऑफिशियल इनकी कंपनी है लेकिन आपको कंपनी का नाम नहीं बताना। छोड़ो, इसको वीडियो को हटाओ। आपको लग रहा है कि आपके, आपने कह दिया और वीडियो हट जाएगी? नहीं आप अरे बताओ तो सही, कंपनी का नाम क्या है तुम्हारा? मैं आपको कह रहा हूँ आप लोन करवाओ मत, मैं करवा ही नहीं रहा आपको लोन। अच्छा लोन मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ वो अलग की बात है, आपकी कंपनी का नाम क्या है? आप छोड़ो ना, खत्म करो आप। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी बाकियों की तरह, जैसे बाकी लोग फेक अगर फोन करके लोगों के साथ स्कैम करते हैं, वो काम करते हैं आप? छोड़ो ना, डायरेक्टली मैं बोल देती हूँ ना आपको, क्या इतना घुमा फिरा के क्या ही बोलना, ऐसा है क्या? नहीं छोड़ो, आपको लोन देना ही नहीं। नहीं आप कुछ कहो ही मत, क्योंकि बाकी लोगों को ना और मुझे भी समझ में आ रहा है कि आप क्या काम करते हो और कैसे काम करते हो। हाँ आप यहाँ से क्या? ठीक है, तो जो आपका फोन ऑफ है ना, ये कभी ऑन नहीं होगा, जो ये आपकी डाटा है ना जो इसमें है,
वो सारी पुलिस के पास जाएगी। तो आप वहाँ डिस्कस कर लेना, आप वहाँ पे बात कर लेना, जो भी चीज़ें आपको बात करनी होगी। और एक और चीज़ है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस बात के लिए, क्योंकि आपने कभी ना कभी ये ज़रूर देखा होगा कि किसी के पास फ़ोन आता है कि आपका लोन अप्रूव हुआ है, आपका ये अप्रूव हुआ है, आपका वो अप्रूव हुआ है। उससे पहले ना आप अपना जांचें कि आपका फ़ोन कहाँ से आया है, कंपनी का क्या नाम है, कंपनी किस तरीके की कॉल कर रही है, कहाँ से किस तरीके का लोन आपको ऑफर कर रही है। आप लोन के झांसे में आकर के ना आप उनको कुछ पैसे दे देते हो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर, और फिर वही आपके साथ स्कैम होता है। तो प्लीज़ आप उस पर पहले कुछ भी पैसे देने से पहले, प्रोसेसिंग फीस देने से पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही आप करें।